हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे वाटर टैंक अलार्म लगाना। यहाँ से अलार्म से दो वायर ले लिया हमने, येलो और ब्लैक। वही वायर अपन को टैंक के पास लाना है ऊपर। आज मैं आपको बताऊंगा इंस्टॉलेशन कैसे करना है, अलार्म की वायरिंग कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा। जो अपन ने वायर ज्वाइंट की है अलार्म से, येलो और ब्लैक, वो वायर अपन को ज्वाइंट करके लाना है टैंक के पास। एक लंबा रखना है और एक शॉर्ट रखना है। उसको वायर को दोनों को छील लेना है और दोनों वायर को बराबर करके टेप मार देनी है। एक को लंबा रखेंगे, एक को छोटा रखेंगे, ठीक है। और दोनों को वायर को छील के और अच्छे से नॉट लगानी है। नॉट बड़ी लगानी है जो पानी को टच हो, तो नॉट लगा के दूसरे वायर में भी नॉट लगा देनी है बड़ी, जो पानी के लेवल को मतलब टच होनी चाहिए। दोनों एक नीचे रखेंगे वाटर टैंक के नीचे और एक वाटर टैंक के ऊपर, जो ये पाइप दिख रहा है आपको वहाँ तक रखेंगे थोड़ा नीचे। ये हमने वायर अंदर डाल दिया है। वायर डाल के हमने दो टाइल्स के छोटे पत्थर लिए हैं। आप चाहो तो कील भी ले सकते हो, पर मैंने यहाँ पे टाइल्स का जो है कील मिली नहीं, तो मैंने टाइल्स का पत्थर लिया। उसको टेप मार के दोनों सिरों में टेप मार के फिट कर देना है। कॉपर वायर को बाहर ही रखना है, कॉपर वायर को दिखे ऐसे ही रखना है, ठीक है। और इसको फोल्ड कर देना है। अब इसके लेवल करके, एक बार लेवल करके इसको टेप मार देंगे बाहर से। अपन जो भी वायर एक्स्ट्रा है उसको अपन यहाँ फिट कर देंगे पाइप के ऊपर। अब अंदर आपको मैं बता देता हूँ, ये पूरा जो भी वायर एक्स्ट्रा बचा है वो अपन को टेप मार के लगा देना है। ये आप अंदर देख सकते हो, एक वायर ऊपर है, एक वायर टैंक के नीचे है। अब जैसे जैसे टैंक भरेगा वैसे वैसे पानी ऊपर आएगा तो वो कॉपर को टच होगा। अलार्म की वायरिंग हो गई कंप्लीट। अब टेस्टिंग की बारी है। प्लग में अलार्म की पिन लगा देंगे, टू पिन, ये देख सकते हैं। और मोटर स्टार्ट करेंगे, ट्यूबवेल भर गया, कंप्लीट हो गया।